नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम लैपटॉप में जब ऑन करते हैं तो उसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे हम यूज़ करें, हम कैसे पता करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे इजी है, मैं आज जो आपको तरीका बता रहा हूँ बहुत ही इजी है, इससे आप आराम से ढूंढ सकेंगे। आपने क्या करना है, स्टार्ट पर जाना है, ये स्टार्ट है। स्टार्ट के बाद इसमें ऑप्शन होता है ऑल प्रोग्राम, ये आप देख रहे हैं ऑल प्रोग्राम है, ये हमने इस पर टिक करना है। इस पर टिक करते ही आपको नीचे दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो आप इसको टिक करेंगे। मैंने इसको टिक कर दिया। अब आपको क्या यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना है, एक्सिस करना है, आउटलुक करना है, पावर पॉइंट करना है, वर्ल्ड करना है, तो आप इस पर कर सकते हैं। हमें करना है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड पर टिक करूँगा तो आप देखोगे अभी हमारा जो वर्ल्ड है वो ऑन हो रहा है। अब हम इस पर टाइप करेंगे, कुछ भी करना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड है, आप देख रहे हैं, कुछ भी मान लो कि आपका नाम, आपने अपना नाम राज टाइप करना है तो हम आ रहे थी राज, आपका जो भी नाम है ये तो हर कोई कर लेते हैं, तो आप ऐसे इसको वो कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। तो और फिर आपने क्लोज़ करना है तो इसको यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं, ये क्रॉस का बटन है, हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। और फिर करें सेव, सेव करना चाहते तो यस करें या नहीं करना चाहते तो नो करें। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि हम कैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे ढूंढें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कहाँ पर इंस्टॉल है और कहाँ पर पड़ा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।